हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स ग्रुप फ्रेंड ये वीडियो जो है पार्ट थ्री है जो हम लोग जनरल स्टडी जो है जे असिस्टेंट इंजीनियर 2013 का जो सॉल्व कर रहे थे उसका ये पार्ट थ्री है ठीक है तो फ्रेंड यदि अभी आप लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाके देख लें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए जो आपके लिए यूजफुल हो जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर से रिलेटेड ठीक है हम लोग एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं जो कि आप लोग के रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है जितना ज्यादा रिस्पॉन्स होगा हम लोग जल्दी से जल्दी इस कोर्स को लॉन्च करेंगे जो कि फुल कंप्लीट सिलेबस हम लोग जो है कवर करवाएंगे ठीक है तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी से लेकर सेवेंटी तक तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन है कि द ब्रेक डाउन द ब्रेक डाउन मैकेजम इन ए लाइटली डोप्ड पी एन जैक्न अंदर रिवर्स्ड बेस्ट कंडीशन इज कॉल्ड यानी कि पी एन जैक्सन के रिवर्स्ट बेस्ट कंडीशन में जब ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होता है उसको क्या बोलते हैं उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं ऑप्शन ए जो है एवेलेंटि ब्रेकडाउन ऑप्शन बी जो है जेनर ब्रेकडाउन ऑप्शन सी जो है ब्रेक डाउन बाय टनलिंग और ऑप्शन डी जो है हाई वोल्टेज ब्रेकडाउन तो फ्रेंड इसका जो सही ऑप्शन है 51 का वो है ऑप्शन ए एविलेंसी ब्रेकडाउन हम लोग जो है बोलते हैं है सिंधु सिंधु क्वेश्चन जो, है? है? जो इंडियन है वो मतलब जो क्या है ये किसका नाम है ठीक है तो ऑप्शन ए जो है बैटल टैंक्स ऑप्शन बी जो है फाइटर एयरक्राफ्ट्स ऑप्शन सी जो है डिस्ट्रॉयर्स ऑप्शन डी सबमरीन तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ये जो सिंधु घोष संकुल और चक्रा जो है वो एक टाइप का है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री कह रहा है इंडियन इनसेट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट हैज एन ऑर्बिट पीरियड दैट इज ऑलमोस्ट द सेम यानी कि इंडियन इनसेट जियोस्टेशनरी स्टेशनरी सेटेलाइट सेट जियो के ऑर्बिट ऑलमोस्ट किसके इक्वल होता है ठीक है तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास ऑप्शन ए जो है एज डेट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस ऑप्शन बी एज डेट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ ऑप्शन सी एज डेट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑप्शन डी एज डेट ऑफ द मून अराउंड इट्स एक्सिस तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि एज डेट ऑफ द अर्थ अराउंड द एक्सिस ठीक है ये इसका जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर व्र इज द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया लोकेटेड ठीक है इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी प्लांट जो है वो कहाँ पे है ठीक है ऑप्शन ए ब्राउनी ऑप्शन बी दिग्बोई ऑप्शन सी जामनगर और ऑप्शन डी मथुरा तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जामनगर यानी कि इंडिया के जो सबसे बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी प्लांट है वो कहां पे है जामनगर में यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 55 ये कहता है कि रेगुलेशन ऑफ डीसी पावर सप्लाई इज गिवन बाय ऑप्शन ए प्रोडक्ट ऑफ नो लोड आउटपुट वोल्टेज एंड फुल लोड करेंट ऑप्शन बी रेशियो ऑफ फुल लोड आउटपुट वोल्टेज एंड फुल लोड करेंट ऑप्शन सी चेंज इन आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड ऑप्शन डी चेंज इन आउटपुट इंपीडेंस फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी यानी कि चेंज इन आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स क्या कह रहा है कि हुच ऑफ़ द फॉलोइंग इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस ग्रीन टॉयलेट्स तो 2013 में जब एग्जाम हुआ था तो उस टाइम जो है फर्स्ट टाइम कोई ऐसा मतलब इन चारों में से जो है ग्रीन टॉयलेट जो है इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में फर्स्ट टाइम वो कौन सा है ऑप्शन ए एयर इंडिया ऑप्शन बी दिल्ली मेट्रो ऑप्शन सी इंडियन रेलवेज ऑप्शन डी कर्नाटका रोडवेज तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इंडियन रेलवे जो है फर्स्ट टाइम जो है ग्रीन टॉयलेट जो है इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर ऑप क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन क्वेश्चन सेवन क्या कहता है वेयर आर बस का जो मैन्युफैक्चर होता है इंडिया में वो कहां पे होता है वो जगह कौन सा है ऑप्शन ए गुड़गांव ऑप्शन बी बेंगलुरु ऑप्शन सी चेन्नई ऑप्शन सी सैनड तो इसका जो सही आंसर है वो है बेंगलुरु यानी कि भोलवो बस का जो मैन्युफैक्चर होता है वो बेंगलुरु के अंदर होता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता था वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट यानी कि जो जी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है अर्थ का वो कहाँ पे कौन से पोजीशन पे मैक्सिमम होता है ऑप्शन ए द पोल्स ऑप्शन बी द इक्वेटर ऑप्शन सी द ट्रॉपिक्स ऑप्शन सी नन ऑफ द एव तो इसका जो सही आंसर है वो है द पोल्स यानी कि जो जी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो पोल्स पे होता है यदि ये क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछ दे तो मिनिमम सबसे कम वैल्यू जो, जो होता है वो इक्वेटर पे होता है द इक्वेटर इक्वेटर पर जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो जी होता है अर्थ का वो सबसे कम वैल्यू कहां पर होता है इक्वेटर के ऊपर होता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन क्या कहता है कि ऑन मार्सी लैंड हुई ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट मीनस ऑफ ट्रैवलिंग यदि मार्सी लैंड जहां पर है उसमें सबसे ज्यादा जो है ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रैवलिंग के लिए सबसे ज्यादा वेस्ट तरीका कौन सा होता है ऑप्शन ए जो है सेली बोट ऑप्शन बी फोर व्हील्स ड्राइव व्हीकल्स ऑप्शन सी जेट बोट या ऑप्शन डी होवर क्राफ्ट तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड वो है ऑप्शन डी होवर क्राफ्ट जो मार्सी लैंड होता है उसमें सबसे ज्यादा आसान होता है होवर क्राफ्ट जो होता है उससे ट्रैवल करना क्वेश्चन नंबर सिक्सटी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी कहता है हुइच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट मोस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया इंडिया में जो होता है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है कौन से पावर मतलब कौन से सोर्सेज का होता है कंट्रीब्यूट होता है इन चारों में से ऑप्शन ए थर्मल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑप्शन बी हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर सोर्सेज ऑफ एनर्जी सी और ऑप्शन डी जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो अपने इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होता है वो कौन से सोर्सेस से होता है वो होता है थर्मल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ठीक है थर्मल सोर्सेस से सबसे ज्यादा हम लोग जो है एनर्जी जनरेट करते हैं यानी कि कोल से जो कोयला वगैरह होता है उनसे सबसे ज्यादा जो एन जो है वो हमारा किस है हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ यानी कि जो डैम वगैरह यानी कि वाटर से जो टर्बाइन के थ्रू हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर सोर्सेज न्यूक्लियर पावर से हम लोग जो एनर्जी जनरेट करते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट कार्बन फुटप्रिंट क्या है ऑप्शन ए द टोटल सेट ऑफ ग्रीन हाउस ऑर्गेनाइजेशन पर्सन और इवेंट्स ऑप्शन बी द टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस कॉस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन पर्सन और इवेंट्स ऑप्शन सी ए ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट रिप्रेजेंटिंग द राइट ऑफ इमिटिंग वन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन डी नन ऑफ सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि द टोटल डाइऑक्साइड इमिशन पर्सन और इवेंट उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कार्बन फूट प्रिंट बोलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू क्वेश्चन नंबर है जो ये फोटोफायलिटिक सेल्स होता है किससे बना होता है सिलेनियम ऑप्शन बी फॉस्फोरस ऑप्शन सी सिलिकॉन और ऑप्शन डी यूरेनियम तो ये जो बना होता है आपका ये बना होता है आपका सिलिकॉन से जो ये फोटोफायलिटिक सेल्स होता है ये किससे बना होता है सिलिकॉन से बना होता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड टर्माइन ठीक है इंडिया में कौन सा स्टेट है जो विंड ट्रवाइन से सबसे ज्यादा एनर्जी जो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करता है वो कौन सा स्टेट है ऑप्शन ए महाराष्ट्र ऑप्शन बी गुजरात ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी तमिलनाडु तो जो इसका सही आंसर है वो है तमिलनाडु यानी कि तमिलनाडु जो है सबसे ज्यादा जो है विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, जो है वो प्रोड्यूस करता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर ये कहता है कि द फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई बाय द इंडियन एयरफोर्स इज ओरिजिनली फ्रॉम जो हम लोग मतलब इंडियन एयरफोर्स जो एयरक्राफ्ट यूज करते हैं जिनका नाम सुखोई है वो जो है किस कंट्री का है वो किस कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ था ठीक है तो वो जो मैन्युफैक्चर हुआ था वो होता है रसिया जो सुखोई है वो कहाँ का है वो रसिया का है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव यह कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स इंडियन रेलवे गोइंग टू इंट्रोड्यूस फॉर सेलिंग ट्रेन टिकट यानी कि इंडियन रेलवे कौन सा ऐसा मशीन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टिकट को सेल करने के लिए ऑप्शन डी तो जो, 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 जो है आपका एस बी एम तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ये करेक्ट है तो जो ए टीबीएम का फुल फॉर्म यहां पर जो होता है वो होता है आपको ऑटोमेटिक टिकट भेंडिंग मशीन तो इंडियन रेलवे जो है टिकट को सेल करने के लिए ए यानी कि ऑटोमेटिक टिकट भेंडिंग मशीन जो है इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स ये कहता है कि द कलर ऑफ ए स्टार इज डिटर बाय इट्स ठीक है द कलर ऑफ ए स्टार इज डिटर बाय इट्स यानी कि जो स्टार का जो कलर होता है वो कौन से तरीके से डिटरमाइन किया जाता है ठीक है उसके वॉल्यूम से उसके मास से या उसके टेम्परेचर से या फिर डिस्टेंस से ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी यानी कि मास के ऊपर डिपेंड करता है उसका कलर ठीक है तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है मास मास से हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसी भी स्टार का जो कलर होता है वो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस ऑन आवर सोलर सिस्टम ठीक है सन का जो एवरेज टेम्परेचर है सोलर सिस्टम में मतलब वो कितना है ठीक है एवरेज टेम्परेचर जो है सन का वो कितना है ऑप्शन ए जो है वन जीरो फाइव ट्रिपल जीरो डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी जो है फाइव फाइव ट्रिपल जीरो सेल्सियस डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी जो है वन ज़ीरो फाइव डबल जीरो डिग्री सेल्सियस ऑप्शन डी जो है फाइव फाइव डबल जीरो डिग्री सेल्सियस तो इसका जो सही आंसर है वो है डी यानी कि पचपन सौ डिग्री सेल्सियस जो है वो एवरेज टेम्परेचर है सन के सरफेस का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट ये कहता है कि डायनासूर वेयर फॉन्ड इन ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल एज ठीक है डायनासोर जो है कौन से जियोलॉजिकल एज में मिला था ठीक है फॉन्ड हुआ था ऑप्शन ए जो है पहले ज्योक एज ऑप्शन बी पेम ब्रियन एज ऑप्शन सी जुरासिक एज ऑप्शन डी नन ऑफ द एभाव तो ये जो है डायनासूर जो है जुरासिक जो हमारा पीरियड था जियोलॉजिकल एज था उसमें जो है मिला था तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर नंबर क्वेश्चन क्या करता है आर द ऑफ मॉडर्न इंडिया ये किन का स्टेटमेंट था इन कौन जो है ये कहते कि जो मॉडर्न इंडिया में डैम जो है वो जो है टेंपल मतलब डैम आर द मॉडर्न इंडिया ये किनका स्टेटमेंट था ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन सी राजीव गांधी या फिर ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी तो ये जो स्टेटमेंट था ये था जवाहरलाल नेहरू जी का इन्होंने ही कहा था कि डैम आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया ठीक है ये इनका स्टेटमेंट था जवाहरलाल नेहरू जी का क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ये कहता है कि द लार्ज हेडरन कॉलिडोर इज सिटुएटेड नियर ठीक है ये जो लार्ज हेडरन कोलिडेर है ये कहाँ पे सिटुएटेड है ठीक है जिनेवा ये जो है जिनेवा में सिचुएटेड है ठीक है जिनेवा या फिर मैड्रिड तो ये जो करेक्ट आंसर है आपका जो है ए यानी कि जिनेवा में जो है ये सिचुएटेड है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन ये कहता है कि वन ऑफ द विनर्स ऑफ द फर्स्ट यूरी मिलनर फंडामेंटल फिजिक्स अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेल्व फ्रॉम इंडिया इज ठीक है जो पहला बार जो ये यूरी मिलनर अवार्ड जो है फंडामेंटल फिजिक्स के लिए दो में दिया गया था उसमें जो विनर था इंडिया के साइड से वो कौन थे ठीक है तो ऑप्शन ए वाई सुबराव ऑप्शन बी जो है अशोक सेन ऑप्शन सी जो, जो है के गुहा ऑप्शन डी जो है राजेश गोपा कुमार तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी अशोक सेन यानी कि अशोक सेन को जो है पहला जो है ये यूरी मिलेर फंडामेंटल फिजिक्स अवार्ड जो है इंडिया की तरफ से इनको मिला था अशोक सेन को क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू सेवेंटी टू ये कहता है कि आई कंट्रोल टीवी इज एन इन्वेंशन बाय ए कंपनी बिलोंगिंग टू ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जो आई कंट्रोल टीवी का जो इन्वेंशन हुआ था वो कंपनी मतलब जो कंपनी ये आई टीवी का इन्वेंशन किया था वो कंपनी जो है किस कंट्री से बिलोंग करता है ऑप्शन ए इंडिया ऑप्शन बी जापान ऑप्शन सी कोरिया ऑप्शन डी चाइना तो ये जो कंपनी है ये जो है चाइना से बिलोंग करता है ठीक है कंपनी थी जिन्होंने ये टीवी, आई कंट्रोल टीवी का इन्वेंशन किया था, ठीक है वो कंपनी है। है? क्वेश्चन नंबर क्या कहता ऑप्शन ऑप्शन बी बिल गेट्स ऑप्शन सी डेनियल कोटे ऑप्शन डी एडविन एच लैंड तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी है उनका फाउंडर कौन है स्टीव जॉब्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर द अल्ट्रा बुक इज एन इनिशिएटिव ऑफ जो अल्ट्रा बुक है वो किन का इनिशिएटिव है ऑप्शन ए एप्पल ऑप्शन बी इंटेल ऑप्शन सी सैमसंग या फिर ऑप्शन डी आशूष तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी इंटेल का ये है जो अल्ट्रा बुक इनिशिएटिव है ये किसका है इंटेल का है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव क्या कह रहा है कि इन विच ईयर डिड मीन फर्स्ट लैंड ऑन द मून ठीक है यानी कि आदमी जो है सबसे पहले किस ईयर में मून पे लैंड किया था ठीक है वो कौन सा ईयर था ठीक है तो ये जो है आपको ऑप्शन ए 1968, 1969, 1970 या ऑप्शन डी 1971. तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 1969 के अंदर नील आर्म स्ट्रॉन्ग जो था इन्होंने सबसे पहला जो है मून पे लैंड किया था तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन आज हम देखा कि क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन से सेवेंटी फाइव तक का डिटेल सॉल्यूशन ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट फोर होने वाला है उसके अंदर हम लोग देखेंगे सेवेंटी सिक्स से लेकर हंड्रेड तक जो कि कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम लोग जो है सिविल इंजीनियरिंग का पेपर वन और पेपर टू का फुल सॉल्यूशन के साथ जो है वीडियो बनाएंगे ठीक है तो यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो आज के वीडियो में बस इतना ही थैंक यू सो मच